खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है, जहां जनपद के नगर पंचायत बैतालपुर में हो रहे स्वर्गीय फूलमती देवी स्मारक ऑल इंडिया महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन के क्वार्टर फाइनल मैच में नेपाल और पटना के बीच मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पटना ने नेपाल को 4-2 से मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख बैतालपुर के प्रतिनिधि प्रभाकर राय रहे और मंच की अध्यक्षता सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी ने किया। गुरुवार को खेल के पहले हाफ में नेपाल की कोनिया थापा ने 20 मिनट में पहला गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दिया, लेकिन पटना की सुरती कुमार ने पहले ही हाफ के 30वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरे हाफ में पटना की पिंकी ने 26 मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी, लेकिन नेपाल की अर्पिता ने गोल दागकर टीम को फिर से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन रोमांचक मुकाबले में पटना की सुरभि राय ने गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाया। इसके बाद पटना की ही सुरीता ने गोल दागकर अपनी टीम को 4-2 से विजयी बना दिया। स्वर्गीय फूलमती देवी स्मारक राज्य स्तरीय ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता सब्जी मंडी आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। यह जानकारी में आया है कि यह कार्यक्रम 5 साल से चल रहा है और इस बैतालपुर की धरती इधर हमारे यहाँ लोकल में इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम इस समय नहीं चल रहा है। यह 5 साल से लगातार चल रहा है, इसलिए आयोजन समिति के सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यह चाहता हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र से भी खिलाड़ी निकल करके राष्ट्रीय पटल पर अपना झंडा कायम रखें, इसलिए इनका खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आयोजन समिति के सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, यहाँ दर्शक जितनी उत्सुकता से आए हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि यह आयोजन सफल हो सके। स्वर्गीय फूलमती देवी जी की स्मृति में आयोजित इस राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश और प्रदेश के बाहर से आई हुई टीमों को और उनके खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आयोजक समिति जो है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और लगातार अपने निजी स्रोतों से बिना किसी सरकारी सहायता के ये आयोजन चल रहा है, इसके लिए बहुत ही बहुत ये लोग साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे ही प्रतियोगिता से निकलकर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जाते हैं, इसके लिए पूरी आयोजन समिति बधाई की पात्र है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ।